हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं सुमित राठी आप सभी का स्वागत करता हूं यार इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। सो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहां पर, आज हम बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका वर्ल्ड ज्योग्राफी का हमारा सीरीज चल रहा है। सो वर्ल्ड ज्योग्राफी कल क्लास नहीं हो पाई थी, तो आई थॉट कि आज आपकी क्लासेस कराई जाए। सो वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर दी IAS 2020 एंड फॉर 2021, ये सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों। स्टार्ट है इसका पार्ट 2021, 20, 22, 23, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सुमित 10 ये मेरा कोड रहेगा, आप सुमित 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट 10% इंस्टेंट ऑफ ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी पर आपको 10% अगर ऑफ चाहिए तो आप इसका इस्तेमाल करो। फॉर एग्जाम्पल, 2 ईयर का अनअकैडमी का जो कोर्स है, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 64,000, बट बाई यूजिंग दिस सुमित 10 कोड यू कैन गेट दिस कोर्स ओनली एट 57,000 रुपीज़। सेकेंड अगर मैं बात करूँ आपका, तो क्या है, यही कोर्स आपको 1 ईयर के लिए भी मिलता है, बट दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 44,000, बट यू गेट दिस कोर्स ओनली एट 39,000। आप इन दो कोर्सेज को इसी प्रकार से ले सकते हो। तो पहली बात क्या हुआ, सुमित 10 का फायदा हुआ दोस्तों डिस्काउंट। पर डिस्काउंट के लिए हम नहीं पढ़ते हम, अगर आप में से गाइडेंस चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको गाइड करूँ। दो बार इस एग्जाम को क्लियर किया है, मेरे पास अनुभव है इस पेपर को देखने का, रीसेंट में क्लियर हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने 50 साल पहले क्लियर किया था, उस टाइम पे एग्जाम का ट्रेंड कुछ और था, आज कुछ और है। लेटेस्ट ट्रेंड गाइस, आप सब परफेक्ट है, सब क्लियर हो चुका है, बहाने अभी मत मारना, ठीक है, क्योंकि अभी चीज़ें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हो रही है। आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ, ठीक है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पर अभी क्लियर है। चलिए, सो ज़्यादा बात करेंगे नहीं जी, ठीक है, आप देख लीजिए, अभी सब मेरे हिसाब से परफेक्ट है, आवाज़ भी साउंड भी अभी प्रॉपर है, आई थिंक साउंड इज़ ऑल्सो प्रॉपर। ओके सो गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अभी मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये हमने बात की थी आपका फिजिकल ज्योग्राफी, हम बात करने वाले हैं साउथ अमेरिका की। सो यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमित 10 ये अपना कोड है दोस्तों, आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी के ऊपर ही मैं बता ही चुका हूँ आपको। अभी के लिए दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया है, दैट इज़ मिशन IAS 2020 और 2021। 2020 और 21 दोनों के लिए मैंने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया दोस्तों। नाउ दिस प्रोग्राम इज़ लाइव ऑन एन अकेडमी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला बैच जो हमारा स्टार्ट हुआ है दोस्तों, आप बुक किसका, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, तो आप आके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बट याद रखना, कोड आपको क्या यूज़ करना है दोस्तों, यू हैव टू यूज़ दिस कोड सुमित 10, आपको कोड सुमित 10 ही इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूँ, ठीक है। जब आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर आते हो तो आपको वहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी की भी क्लास भी मिलेगी, वहाँ पर आपको इंडियन ज्योग्राफी भी मिलेगा, वहाँ पर आपकी इकोलॉजी भी मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अकेला वर्ल्ड ज्योग्राफी, आप किसी भी सब्जेक्ट की क्लास अटेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीपल एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे, सबकी क्लास आप देख सकते हो। मेरा अगर कोर्स से आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो जितने भी अनअकैडमी पे एजुकेटर हैं सबकी क्लास, बट गाइड आपको मैं करूँगा, मेरे कोड का मतलब है गाइड मैं आपको मैं करूँगा, बाकी क्लास आप किसी भी की देख सकते हो। PDF मिलेगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, PDF के लिए PDF दिया जाएगा आपको, प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाएगी आपको, कितनी भी क्लासेस देख सकते हो, लाइव नहीं देख पाते तो रिकॉर्डेड देख पाओगे, मतलब सारी फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल है, आप नेम लीजिए सारी की सारी। बस दोस्तों अब इंतजार किस बात का है, आपको सिर्फ और सिर्फ कोड यूज़ करना है सुमित 10 एंड यू हैव टू ज्वाइन मी।
आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों साउथ अमेरिका के फिजिकल फीचर के बारे में। बट मैं दोस्तों पहले आपको बात पढ़ाना एक कुछ बात बताना चाहूँगा। जब भी यार हम ज्योग्राफी को हम देखते हैं, तो ज्योग्राफी को जब हम देखते हैं तो हमारे देखने के दो नज़रिए होते हैं, दो तरीकों से हम देखते हैं। देखो, पहला जो पार्ट होता है ना, वो होता है आपका, मैंने आपको पहले भी बताया था, समझाया था, एक तो पार्ट होता है आपका फिजिकल और दूसरा क्या होता है दोस्तों, आपका पॉलिटिकल एस्पेक्ट। सो पॉलिटिकल एस्पेक्ट हम कंप्लीट देख चुके हैं, मैपिंग पोर्शन से हम पूरे साउथ अमेरिका को देख सकते हैं डिटेल के अंदर, है ना। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल का मतलब वैसे क्या होता है, दैट मींस राजनीतिक। तो राजनीतिक रूप से हम देख चुके हैं कि साउथ अमेरिका के अंदर आपका कितनी प्रिंसिपल कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका के अंदर, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। हमने देखा 13 कंट्रीज हैं प्रिंसिपल कंट्रीज, और सबकी जो इंपॉर्टेंट लोकेशन थी मैप के अंदर, ठीक है, वो हम देख चुके हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट लोकेशन हम देख चुके हैं। पूरा मैपिंग पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत डिटेल में हमने मैप कवर किया है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी आप लोगों को कमी और लगनी चाहिए, कोई शंका होनी चाहिए, कंप्लीट मैपिंग पोर्शन हमने कवर किया है। दूसरा पार्ट आता है दोस्तों फिजिकल। फिजिकल का मतलब क्या होता है दोस्तों, फिजिकल का मतलब होता है भौतिक भूगोल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल क्या होता है दोस्तों, देखो यार हमारे इस पृथ्वी पर बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स होते हैं लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स का मतलब होता है स्थलमंडल। क्या क्या होते हैं सर हमारे पास? सर पहला अगर मैं बात करूँ अपने पास दोस्तों, माउंटेन होते हैं अपने पास। अगर मैं बात करूं आपके, तो प्लेटू होते हैं, पठार होते हैं अपने पास। अगर हम बात करें तो प्लेन होते हैं, मैदान होते हैं। सो ये सारे के सारे प्लेटू, प्लेन्स जो आपके पास, माउंटेन्स जो होते हैं, दीज आर लैंडफॉर्म्स, स्थलमंडल। इन्हीं के आधार पर जब हम पृथ्वी को पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका लैंडफॉर्म्स। तो याद रखना, जब भी आप फिजिकल ज्योग्राफी किसी भी देश हो, एक मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, किसी भी कंट्री को पढ़ो, किसी भी कॉन्टिनेंट को पढ़ो, अगर आप बोल रहे हो ना फिजिकल डिवीज़न के आधार पर, फिजिकल डिवीज़न के आधार पर आप किसी भी इलाके को तीन ही भागों में पढ़ोगे, आप क्या देखोगे वहाँ पर, कितने तो माउंटेन हैं, ठीक है, कौन कौन से माउंटेन है, मेन माउंटेन कौन से हैं, कहाँ पर माउंटेन है, कौन सी माउंटेन चेन है। मेन तो पहली बात, सबसे पहले आप बात करोगे किसके बारे में, पर्वत और पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। दूसरे पॉइंट पर आप बात करोगे, आप देखोगे कि प्लेटू कितने हैं वहाँ पर, प्लेटू मतलब पठार कितने हैं। पठार का इसको एक वर्ड और भी दिया जाता है दोस्तों, हाईलैंड। हाईलैंड का मतलब होता है उच्च भूमि। क्या होता है दोस्तों, उच्च भूमि और पठार दोनों एक ही बात है। और तीसरा जो होता है ना मित्रों, वो क्या होता है आपका मित्रों, प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है, प्लेन मीन्स मैदान, ठीक है। और मैदान किससे बनते हैं आपका दोस्तों, ये रिवर से बनते हैं, समझ में आई बात। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि हमारे दो एंगल होंगे ज्योग्राफी को पढ़ने के, पहला पॉलिटिकल एंगल। सो पॉलिटिकल एंगल के अंदर बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैपिंग पोर्शन। हम मैप के बारे में बात करेंगे, वी आर गोइंग टू लुक एट द डिफरेंट फैक्ट्स देखेंगे, वी आर गोइंग टू लुक एट द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल फ्रंट से हम उसको देखेंगे। बट जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पर आते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम भौतिक भूगोल देखेंगे। फिजिकल क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था कि देखो हमारे यहाँ पे लैंडफॉर्म्स होते हैं पृथ्वी पर। लैंडफॉर्म्स आर ऑफ थ्री टाइप। पहला कौन सा होता है, माउंटेन। माउंटेन मतलब पर्वत, प्लेटू मतलब पठार, और प्लेन मतलब मैदान। पर्वत, पठार और मैदान, तीन प्रकार के लैंडफॉर्म्स हमारे पास होते हैं। इन लैंडफॉर्म्स के आधार पर ही हमें पृथ्वी को पढ़ना है, इन द वेरियस पार्ट, अलग अलग पार्ट से हमें डिवाइड करके। समझ में आ रही है बात आपको, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। अब हम बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, हम बात किसकी करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी, और किसकी फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साउथ अमेरिका। हमें साउथ अमेरिका का क्या देखना है, साउथ अमेरिकन का हमें, साउथ अमेरिका का हमें क्या देखना है गाइस, फिजिकल ज्योग्राफी। तो आप बताओ, अभी तो मैंने बताया था, जब भी फिजिकल ज्योग्राफी का नाम आपके सामने आए तो आप तीन चीज़ों के बारे में जानना चाहोगे। पहला आप जानना चाहोगे कि सर माउंटेन, कितने माउंटेन हैं। आप यहाँ पर देखोगे माउंटेन रेंजेस के बारे में, माउंटेन के बारे में, कोई पर्वत रहे, पर्वत श्रृंखला है ना। अब पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, इंपॉर्टेंटली अगर मैं बात करूँ, पहला होता है आपका फोल्ड माउंटेन, दूसरा होता है आपका ब्लॉक माउंटेन, तीसरा होता है लावा माउंटेन, ठीक है। सबसे ज़्यादा फोकस आपका क्या होगा, मेन फोकस होगा हमारा दोस्तों किस पर आपका, दिस इज द मेन फोकस अवर फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन इज द मेन फोकस, आपको फोल्ड माउंटेन पे मेन ध्यान रखना है। तो साउथ अमेरिका में हम बात करेंगे सबसे पहले कि हमारे पास माउंटेन रेंज कौन सी है। सबसे पहला तो साउथ अमेरिका में माउंटेन रेंज अभी बताऊंगा मैं, वैसे अभी बोल देता हूं मैं आपको, एंडीज होता है ना, सॉरी हाँ, साउथ अमेरिका में क्या है, एंडीज। और एंडीज कैसा माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन क्या होता है ऑलरेडी बता चुका हूँ, अब बार बार उसको मैं घिसूंगा नहीं कि एक एक चीज को बार बार बताते रहूँ मैं आपको। दूसरा हमने क्या बताया था यार, फोल्ड माउंटेन, माउंटेन के बाद में तो सेकंड चीजें हमें देखनी है, दैट इज नथिंग बट दैट इज प्लेटू। प्लेटू का मतलब क्या होता है मित्रों, पठार। दूसरी चीज अपने को देखनी है पठार, ठीक है। पठार को हम एक वर्ड और भी देते हैं, यहाँ पर हम नाम देते हैं हाईलैंड। हाईलैंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, उठा हुआ भाग। क्या मतलब होता है इसका, उठा हुआ भाग। सो कोई भी अगर उठा हुआ भाग होता है वो हम इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और नंबर तीन पर जो अपने पास आएगा दोस्तों, नंबर तीन पर क्या आएगा, प्लेन।
प्लेन का मतलब क्या होता है? मैदान। प्लेन मींस क्या होता है गाइज आपका? मैदान। तो मैदान वाला भाग भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो ये हमारे अलग अलग फैक्टर्स होंगे, अलग अलग चीजें होंगी जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये सारी जो चीजें हैं ये आज अपन डिस्कस करने वाले हैं गाइज, पर्वत, पठार और मैदान। अच्छा एक बात बताओ यार, प्लेन जो बनते हैं वो बनते किससे हैं? सर प्लेन बनने के लिए जरूरी क्या है आपके पास? रिवर है ना, तो इसमें रिवर आ गया। रिवर का मतलब यहाँ पर क्या आ गया? ड्रेनेज पैटर्न। सो देखोगे तो आप कंप्लीट पूरा का पूरा कवर हो जाता है, ड्रेनेज पैटर्न, रिवर। रिवर का मतलब क्या होता है? नदी। सो यहाँ पे नदी भी कवर होती है। तो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपकी सारी चीज़ें कवर होती हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत जरूरी पार्ट है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ माउंटेन देखना हमें, प्लेटू देखना हमें, और क्या देखना है गाइज अपने को? प्लेन देखना है। ये बात क्लियर हो रही है आप सभी को मैं क्या कह रहा हूँ गाइज? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर यार, फटाफट से। और यार मतलब लाइक किया करो यार, ठीक है, ये लाइक तो करना बनता है, आप लाइक किया करो, अपना टारगेट होता है यार, ठीक है। 1000 लाइक का अपन टारगेट रख रहे हैं इस क्लास के अंदर, इतना तो पूरा कर सकते हो यार। मतलब आप लोगों से कहा ना जाए ना तो आप लाइक नहीं करते हो, बिल्कुल भी नहीं करते हो यार। प्लीज़ यार गाइस सपोर्ट करो, अपना सपोर्ट दिखाओ। एक बार लाइक का बटन, उसको दबाने में कुछ जाता थोड़ी ना है, जल्दी से उस बटन को दबा दीजिए, लाइक और शेयर करो ताकि आप और आप जैसे बाकी लोगों तक ये चीज़ें पहुंच पाए, है ना। चलिए दोस्तों देखो, बहुत मैं मानता हूँ आप लोगों का अपना ग्रीवियंस होता है, आप अपने चीज़ों तरीकों से देखते हो, लेकिन बहुत मेहनत हो रही है आप लोगों के लिए यार, और उसमें एडवर्स कंडीशन के अंदर भी हम चीज़ें लगे हुए हैं। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन रहता है यार कि कम से कम थोड़ा सा आप लोग भी हमारे लिए कुछ सोचो, कुछ करो यार, थोड़ा सपोर्ट किया करो। मैं चाहता नहीं हूँ आपको मैं बार बार बोलूँ कि मैं लाइक करो शेयर करो, आप अपने आप ही कर दिया करो यार, है ना। अपना टारगेट है यार 1000 लाइक का, अपना टारगेट है क्लास का, ठीक है। सो उसको पूरा करते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ दोस्तों फिजिकल फीचर। तो अगर मैं फिजिकल फीचर की बात करूँ, साउथ अमेरिका में हमने कितने भागों में बांटा इसको? साउथ अमेरिका को फिजिकली हमने 4 भागों में बांट दिया। देखो यहाँ पर अब देखो होगा 3 ही भागों में, बट ये ठीक है हमने फोर्थ बना दिया है, लेकिन देखो 3 ही भागों में बांटा हमने। पहला माउंटेन, एंडीज माउंटेन, माउंटेन बांटा। दूसरा है लोलैंड। लोलैंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है गाइज? यहाँ पर मैदान। प्लेन का मतलब क्या होता है आपका? मैदान होता है। और तीसरा जो होता है दोस्तों, दिस इज ईस्टर्न हाईलैंड। हाईलैंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? हाईलैंड का मतलब होता है उच्च भूमि, और उच्च भूमि को हम क्या कहते हैं? पठार। तो जैसा मैंने आपको बताया था ना, उन्हीं 4 भागों में, उन्हीं 3 भागों में मैंने बांटा है। कोस्टल स्ट्रिप जो है ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, इसकी कोस्टल स्ट्रिप थोड़ी सी खास है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें ऑल इन ऑल अगर हम इसको देखते हैं दोस्तों, तो अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा सर हमें? हमें पता चलेगा कि कितने पार्ट्स के अंदर हमने बेसिकली इसको क्या किया है गाइज? डिवाइड किया है, है ना। तो हमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने चाह रहे हैं हम इसको पढ़ना चाह रहे हैं डिवाइड करके 4 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। वो 4 डिफरेंट पार्ट्स कौन से? फर्स्ट इज कोस्टल स्ट्रिप, इसको हम बोलते हैं तटीय मैदान, है ना। तट यहाँ पर है, आपको देखो वैसे तो कितनी सारी कोस्ट लगता है, लेकिन एक कोस्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और वो क्या है दोस्तों? ये वाला आपको दिख रहा है, देखो ये अलग कलर दिख रहा होगा, ब्राउन ब्राउन कलर का, ये क्या है गाइज? दिस इज नथिंग बट आवर एंडीज माउंटेन। ये क्या है आपका गाइज? यही है एंडीज माउंटेन, इसी को हम बोलते हैं आपका एंडीज पर्वत। दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है आपका, दैट इज इन द एंडीज माउंटेन। दिख रहा है आपको, एंडीज माउंटेन है, ठीक है। इस एंडीज माउंटेन और इधर क्या है अपना? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, आई होप ये भी पता होगा। इन दोनों के बीच में यहाँ पर हमारा लगता है तटीय सीमा, और उसी तटीय सीमा को हम बोल रहे हैं कोस्टल स्ट्रिप। तो इंपॉर्टेंट है, दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल स्ट्रिप में से ही आपका एक है। दूसरा एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन क्या है दोस्तों? दिस इज नथिंग बट इट इज अ फोल्ड माउंटेन। कैसा माउंटेन है गाइज आपका? ये फोल्ड माउंटेन है, एक वलित पर्वत है जिसके बारे में अपन बार बार चर्चा करते हैं। वलित पर्वत क्या होते हैं वो भी आपको पता है, फिर से बता दूंगा, चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। सो वलित पर्वत क्या होते हैं देख लेंगे। सेंट्रल लोलैंड मतलब आपके क्या होंगे? प्लेन मैदान, ठीक है। और लास्ट में क्या आपका दोस्तों? हाईलैंड। सो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार से ये अपने पास अलग अलग क्या हो जाते हैं मित्रों? ये अपने पास अलग अलग हो जाते हैं पार्ट्स, मतलब फिजिकल तौर तरीकों से, फिजिकल फॉर्म में आप कितने भागों में बांट के फिजिकल ज्योग्राफी के हिसाब से आप इसको पढ़ने वाले हो। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन 4 डिफरेंट पार्ट। अब थोड़ा सा ना कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, ध्यान से देखो यार, जब भी आप मैप की तरफ देखते हो ना, आपके पास एटलस होगी या नहीं होगी? देखो एटलस के अंदर वहाँ पर लिखा होगा साउथ अमेरिका, एक पेज होगा साउथ अमेरिका पे जिसपे पॉलिटिकल मैप होगा, और दूसरी तरफ क्या होगा आपका? फिजिकल मैप होगा। आपको फिजिकल मैप ओपन करना है, फटाफट फिजिकल मैप ओपन कीजिए गाइस, फटाफट एटलस के अंदर फिजिकल मैप ओपन करो। कुछ ऐसा चित्र आपको दिख रहा होगा,
ठीक है, ये फिजिकल मैप होता है, इसमें बाउंड्री नहीं मिलेगी आपको, देश के बारे में नहीं बताया जाएगा, सिटीज़ के बारे में, कैपिटल के बारे में नहीं बताया जाएगा, इसमें बेसिकली किसके बारे में बताया जाएगा, फिजिकल फिजिकल फीचर। आप पहचानेंगे कैसे, ध्यान से देखना मेरे साथ आप, ये जो इलाका है जो लाइट ब्राउन कलर का है ये रहा, सो दिस इज माउंटेन, एवरीबडी नोज अबाउट दिस, सभी को पता है ना इसका, ये वाइट है दैट मीन्स ये क्या हो गया ठंडा, दिस इज स्नो कवर्ड, मतलब ये बर्फ़ से ढका हुआ है, ये बर्फ़ से ढका हुआ है, इट इज़ स्नो कवर्ड, दैट्स वाई इसको वाइट दिखाया हमने, ठीक है। सो ये हो गया आपका पहला पार्ट, सो दिस इज एंडीज माउंटेन, इधर दिख रहा है आपको, देखो ब्राउन है बट लाइट ब्राउन है, दिस इज लाइट ब्राउन पार्ट है ना, इधर भी है ना, दिस इज ऑल्सो लाइट ब्राउन पार्ट, सो दिस इज प्लेटू, ये कम्स अंडर द प्लेटू, एक प्लेटू के पार्ट में आता है, दिस इज प्लेटू, दिस ऑल्सो कम्स अंडर द प्लेटू, दिस पार्ट ऑल्सो कम्स अंडर द प्लेटू, ठीक है। सो दीज आर द प्लेटू, अलग अलग नाम है, इसका नाम होगा गुआइना हाईलैंड, क्या होगा गुआइना हाईलैंड, इसका नाम होगा आपका ब्राजीलियन हाईलैंड, ठीक है। इसकी बात अगर मैं करता हूँ, दोनों हाईलैंड्स हैं आपके ये, इसके बाद अगर मैं नीचे आऊँ तो नीचे वाला जो पार्ट है आपका देख रहे हो, ये सबसे नीचे हमने जो बनाया, दिस इज पेटागोनिया, पेटागोनिया का पठार अगर हम देखते हैं, और उसके ऊपर जो हमने बनाया है, दिस इज आपका क्या है दोस्तों आपका ये, दिस इज प्लेटू ऑफ मेटागोरासो। सो ये हो गया आपके प्लेटू वाले पार्ट्स, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ आपका, तो आता है सेंट्रल लोलैंड, लोलैंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैदानी इलाका, और मैदान किससे बनते हैं गाइज, आपके मैदान बनते हैं सर आपके, यार एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे साउंड प्रॉपर आ रहा है आप लोगों के पास, साउंड प्रॉपर आ रहा है, साउंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ना, है ना, एक बार बता देना यार अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वी विल रेक्टिफाई दैट, उसको रेक्टिफाई करेंगे यार। अरे यार बहुत सही बता रहा हूँ, मतलब 5 लोगों का काम अकेले करना पड़ रहा है, ये काम अलग होता है, ये साउंड चेक करने का स्टूडियो वाले बंदे होते हैं, बट आप लोग जानते हो 5 लोगों का काम अकेले करना पड़ता है, इसलिए दिक्कतें होती हैं, बट ठीक है, हम अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, चिंता मत करो यार, सब चीज़ें करेंगे, बट थोड़ा ना आपका साथ की ज़रूरत है, थोड़ा पॉजिटिव रहो यार, आप भी हमें सपोर्ट करो यार, ठीक है। बस इतना सा आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को लाइक करो यार, अपना आज का टारगेट जो है आप पता ही होगा दोस्तों, 1000 लाइक्स का अपना टारगेट है। तो ये क्या हो गया, दीज आर प्लेटू, ये गुआइना हाईलैंड बोलते हैं, अभी बताऊंगा, दिस इज ब्राजीलियन हाईलैंड, हाईलैंड मतलब उच्च भूमि, ये हो गया आपका प्लेटू ऑफ मेटागोरासो, दिस इज पेटागोनिया का प्लेटू, पेटागोनिया का पठार, पेटागोनिया का डेजर्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सो देखो कोस्टल हो गया, हाईलैंड भी हो गया, ये भी हो गया, अब आते हैं दोस्तों सेंट्रल लोलैंड, सेंट्रल से पता चल गया होगा सेंटर के अंदर, लोलैंड का मतलब क्या है, जमीन, ठीक है, निम्न भूमि। एक बात बताओ, ये जो ऊंचे ऊंचे इलाके हैं, एंडीज पर्वत है, जो एंडीज पर्वत तो ऊंचा होगा, हाइट में ज्यादा होगा क्योंकि फोल्ड माउंटेन है, तो फोल्ड माउंटेन की हाइट ज्यादा होती है। अब अगर हाइट ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस बात है ग्लेशियर होंगे, और ग्लेशियर से क्या निकलेगी, नदी, और वो निकलती भी है यहाँ से, दुनिया की जो अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम, वाटर वॉल्यूम में आपकी दुनिया की सबसे बड़ी रिवर जो है यहाँ से ओरिजिनेट होती है, एंड दैट रिवर इज नोन एज द अमेजोन रिवर, है या नहीं है बताओ, ये अमेजोन रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक रिवर हो रही है, दैट इज नोन एज द ओरिनिको रिवर, दो नदियाँ दोस्तों यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, दो इंपॉर्टेंट नदियाँ, और उन्हीं नदियों की वजह से क्या बनता है, लोलैंड, उच्च, सॉरी निम्न मैदान, मैदानी इलाका बनता है। अगर आपको याद हो तो इंडियन ज्योग्राफी में मैंने बताया था नॉर्थ इंडियन प्लेन, उत्तर भारत के मैदान, गंगाटिक प्लेन, सुना होगा ना आपने, ब्रह्मपुत्र प्लेन, ब्रह्मपुत्र के मैदान, तो नदियां हमेशा प्लेन इलाका बनाती है, मैदानी इलाका बनाती है जब वो नीचे आती हैं, ठीक है। सो ये जो इलाका होगा ना, देखो ये जो दिख रहा होगा, दिस इज गोइंग टू बी नोन एज द लोलैंड, इसको हम क्या बोलते हैं, लोलैंड बोलते हैं, और दिस इज ऑल्सो नोन एज द अमेजोन की जंगल, यही तो है, कंपोस्ट के घास के मैदान यही तो हैं, ठीक है। इनको हम किस इलाके नाम से जानेंगे, हम इन चीज़ों को जानेंगे विद द नेम ऑफ, किस नाम से जानेंगे जल्दी से बताओ, आपका लोलैंड, मैदान, ठीक है, इनको हम मैदान के नाम से जानते हैं। सो ये मैंने आपको बताया, जब भी आपके कोई भी पूछे भाई, कोई भी आदमी आ जाए आपसे कहे कि आप फिजिकली इस इलाके को बताओ, किसी भी चीज़ का जब भी आपको फिजिकल डिवीज़न करना हो, यानी कि क्या, किसी भी चीज़ का आपको भौतिक अध्ययन करना हो, तो आप क्या करोगे यार, आप उसको 3 भागों में बांट दो, बस आंख बंद करो और 3 भागों में, ये ट्रिक है, हर पार्ट में मैं ऐसे ही अप्लाई करूंगा, जब मैं नॉर्थ अमेरिका पढ़ाऊंगा ऐसे ही करूंगा, यूरोप करूंगा मैं ऐसे ही करूंगा, मैं 3 भागों में बांटूंगा उसको, किस किस भाग में बांटूंगा सर, पहला बांटेंगे उसको माउंटेन के अंदर,
ठीक है गाइस, क्लियर है मेरे साथ? साथ साथ चलना है दोस्तों, मतलब आग लगा देनी हमें पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर सब कुछ हमें आना चाहिए, वी हैव टू मेक द हिस्ट्री। दूसरी बात क्या है दोस्तों, माउंटेन के बाद में अपने को क्या करना है, प्लेटू, पठार, और तीसरा क्या बनाना है अपने को, प्लेन। बस सीधी सी बात है, बात खत्म यार, बात खत्म। कोई पूछे यार क्या कर रहा है तो हमें बोलना है एक ही चीज कर रहे हैं, आईएएस ऑफिसर बनना है, बनना है, बनना है, बात खत्म। ऐसे ही जब आपसे कहे कोई फिजिकल डिवीजन करना है, भौतिक अध्ययन करना है, तो यू हैव टू लुक आफ्टर दीज थ्री थिंग्स। आपको तीन चीजों के बारे में देखना है। पहला आपको देखना पड़ेगा दोस्तों माउंटेन के बारे में, पर्वत। दूसरा आपको देखना पड़ेगा पठार, और तीसरा किसके बारे में देखना पड़ेगा, प्लेन एरिया के बारे में देखना पड़ेगा। एज यू कैन सी यहां पर हमने देखा, यहां पर सबसे पहले माउंटेन देखा, तो ये ब्राउन वाला पार्ट जो था, दिस पार्ट, ये आपका पर्वत वाला पार्ट है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, अभी जल्दी आप लोग रिपीट करोगे, दिस इज द माउंटेन पार्ट, एंड दिस माउंटेन पार्ट को हमने क्या नाम दिया आपका दोस्तों, एंडीज दिया नाम। उसके बाद अगर मैं सेकेंड बात करूँ, चलो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि देखने में अपने को दिक्कत ना हो, ठीक है, ये हो गया, उसके बाद ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने देखा भाई एंडीज पर्वत है, तो पर्वत से निकलेगी नदियाँ, निकली नदी यहाँ पे गई, दूसरी एक और नदी होती है, दैट इज रिवर नोन एज द ओरिनोको रिवर, तो नदियाँ निकली। अब जब नदियाँ निकलेंगी तो उनसे क्या होगा दोस्तों, आपका मैदान का निर्माण होगा, होगा इधर ये होता है, सो ये रिवर जो जाती है इधर, बेसिकली मुख्य नदी कौन सी है आपका, दिस इज, यहाँ पर मुख्य नदी है अमेजोन, अमेजोन एंड ओरिनोको रिवर, ठीक है, अभी बताऊंगा, चिंता मत करो। दूसरी कुछ नदी नीचे से भी जाती है और उसको हम बोलते हैं पराना परागवे, ठीक है, सो दो आर दीज रिवर आर नोन एज द पराना परागवे रिवर, इनको हम पराना परागवे रिवर के नाम से भी आपका क्या करते हैं दोस्तों, जानते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं आपको, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आप मेरे पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको दोस्तों, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ आपको दोस्तों। सो फिजिकल फीचर जो है यहाँ पर दोस्तों क्या है, अमेजोन ओरिनोको, और दूसरा जो है यहाँ से आपकी एक रिवर और जा रही है, दैट इज नोन एज द पराना परागवे रिवर। इनसे क्या बनेगा आपका, इनसे बनेगा अपना लोलैंड, ठीक है, इनसे क्या बनेगा, लोलैंड। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, प्लेटू रीजन की, तो प्लेटू रीजन के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए तो अगर प्लेटू रीजन के बारे में हम बात करें तो प्लेटू कहाँ पर है, तो पठार कहाँ है, देखो ये वाला पार्ट, इसको हम जानते हैं ब्राजीलियन हाईलैंड, मैंने पहचानने की कोशिश करी है, मैं पहचान रहा हूँ ब्राजीलियन हाईलैंड, दिस इज पैटागोनिया का पठार, दिस इज प्लेटू ऑफ मैटागोरासो, दिस इज गुआइना हाईलैंड, गुआइना का पठार, गुआइना उच्च भूमि, इसको हम किस नाम से जानते हैं, हाईलैंड। तो तीन अलग अलग फिजिकल फीचर मैंने आइडेंटिफाई कर लिए, मैंने आपको बता दिया। अब एक एक करके मैं आपको यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। गाइज टारगेट है अपना दोस्तों कितना, 1000 लाइक्स का, 1000 लाइक बहुत बड़ी बात नहीं, अगर आप करोगे सो हम बहुत जल्दी क्लास क्लास के अंदर 1000 लाइक्स तक आराम से पहुंच सकते हैं। गाइस प्लीज शो योर लव, शो योर रेस्पेक्ट, प्लीज गाइस शेयर कर दीजिए, ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए पहले पार्ट की ओर बढ़ रहा हूं मैं अपना, फिजिकल फीचर ये हिंदी में है दोस्तों, हिंदी वाले छात्रों के लिए। देखो पहला होगा तटीय पट्टी, दूसरा होगा एंडीज पर्वत, तीसरा होगा तराई के मैदान, और फिर क्या होगा आपका पूर्वी हाईलैंड। ईस्ट में है ना भाई, ईस्ट में है ना, माउंटेन तो वेस्ट में है और ये कहाँ, ईस्ट में, पूर्वी हाईलैंड। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपका पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप, ये कहाँ है, देखो प्रशांत महासागर के बिल्कुल साथ साथ में, ये देख रहे हो आप, इधर क्या है, पैसिफिक ओशियन है, यस और नो जल्दी बताओ, पैसिफिक ओशियन है या नहीं है, इधर जल्दी बताएंगे आप मुझे, पैसिफिक ओशियन है ना, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें, सो हेयर इज द पैसिफिक ओशियन, और जो तट से लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं आपका, तटीय मैदान। सो दिस इज पैसिफिक ओशियन, यहाँ से ये पैसिफिक ओशियन है, देखो यहाँ से ये, सो दिस इज पैसिफिक ओशियन, ये है आपका दोस्तों प्रशांत महासागर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, प्रशांत महासागर से लगता हुआ ये इलाका, इसी को हमने क्या बोल दिया है आपका दोस्तों, तटीय पट्टी, ठीक है, दिस इज कोस्टल स्ट्रिप, जो किस किस के बीच में लगती है, इधर आप बात करोगे तो पैसिफिक ओशियन, और इधर क्या है दोस्तों आपका, एक माउंटेन है जिसका नाम क्या हो गया दोस्तों आपका, एंडीज, ठीक है, क्या नाम हो गया इसका दोस्तों, एंडीज माउंटेन, क्लियर और नॉट, एंडीज पर्वत हो गया। सो ये अपने पास है दोस्तों फर्स्ट पार्ट आपका, दैट इज नोन एज द फिजिकल फीचर के अंदर पहला पार्ट, कोस्टल स्ट्रिप। अब कोस्टल स्ट्रिप देखोगे तो क्या है इसकी खास बात है, पहली बात क्या, दुनिया की सबसे लंबी कोस्टल स्ट्रिप है, दिस इज द लॉन्गेस्ट कोस्टल स्ट्रिप प्रेजेंट इन टू द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे लंबी कोस्टल स्ट्रिप की अगर बात करोगे तो वो उनमें से एक आती है आपकी ये पार्ट, ठीक है। तो कोस्टल स्ट्रिप जो है अगर हम इसकी बात करें, सो दिस इज द लॉन्गेस्ट कोस्टल स्ट्रिप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे लंबी कोस्टल स्ट्रिप है, अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो तो, ठीक है गाइज, थोड़ा थोड़ा बीच में बफर करता है तो प्लीज़ यार मैनेज करना, ठीक है, प्लीज़ मैनेज करना यार, पता है क्या होगा, आप मुझे पता है परेशान हो रहे हो, लेकिन आप परेशान हो गए, आप फ्रस्ट्रेट हो गए ना, सो फिर वो चीज़ें ना इधर भी यार हमें भी परेशानी होती है, हम दुखी होते हैं यार,
उस चीज़ से कि बच्चों को वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा जो हम देना चाह रहे हैं, तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। ठीक है, सही बता रहा हूँ, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, जब आप लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता ना, मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो जाता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यार मैं मोटिवेट रहूँ, मैं मोटिवेट रहूँगा ना तो मैं आपके लिए भी कुछ अच्छा कर पाऊँगा, अच्छा सेख देख पाएंगे। राजन कुमार, हिरांजन, किरणदीप, SS फन, माही गुज्जर, खुशबू, भाव्या मिश्रा, रेमा सिंह, नूरजहां, संगीता, कुंदन, ठीक है, थोड़ा सा यार प्लीज़ बी सपोर्टिव, है ना, सपोर्ट करो, शेयर करो, लाइक करो, बढ़िया से। अब चलो अगली बात करते हैं कोस्टल स्ट्रिप। तो पहली बात क्या है दोस्तों, दिख पा रहा है आपको कोस्टल स्ट्रिप, द कोस्टल पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप्स जो है ये पैसिफिक ओशन और एंडीज पर्वत के बीच में, मैंने यही तो बताया, इधर प्रशांत महासागर, इधर क्या है दोस्तों आपका एंडीज पर्वत, दोनों के बीच में लाई करती है, दिस इज द कोस्टल स्ट्रिप, सो दोनों के बीच में लाई करती है, पहली बात अपन ने देख ली। दूसरी बात क्या है दोस्तों, इट इज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल प्लेन इन द वर्ल्ड। आप कहोगे सर हिंदी में बताओ, ये लो, ये दुनिया का सबसे लंबा तटीय मैदान है, देखने को दिख रहा है ना, सो दिस इज द लॉन्गेस्ट कोस्टल स्ट्रिप ऑफ द वर्ल्ड। भाई दुनिया में अगर आप चले जाओगे ना, शायद ही इससे लंबी कोस्टल स्ट्रिप आपको कहीं पर मिले किसी कॉन्टिनेंट के अंदर, इज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल स्ट्रिप इन द वर्ल्ड। खास बात पता है क्या है, कई कई जगह पर तो ये 8 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है, बात करोगे ना, कई कई जगह पर ये कितनी है, 8 किलोमीटर, लेकिन कई कई जगह पर ना ये बहुत कम है, 8 मीटर है। भाई कोस्टल स्ट्रिप कई कई जगह पर तो 8 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन कई कई पर जगह पर ये क्या है, सिर्फ 8 मीटर चौड़ी है। कोस्टल स्ट्रिप तटीय सीमा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपका तटीय सीमा, तटीय मैदान की मैं बात कर रहा हूँ। सीधी सी बात है, ओशियन, पैसिफिक ओशियन और एंडीज के बीच में, पहली बात। दूसरा, लॉन्गेस्ट कोस्टल प्लेन है वर्ल्ड के अंदर दुनिया का। तीसरी बात, 80 किलोमीटर, कहीं कहीं पर तो 80 किलोमीटर चौड़ी है यहाँ पर ये दोस्तों, 80 किलोमीटर और 8 किलोमीटर, और कहीं पर ये मात्र कितना 80, तो कितनी विविधता है, कितनी वैरायटी है, एक जगह तो 80 किलोमीटर चौड़ा है ये कोस्टल स्ट्रिप, एक जगह कितना है सिर्फ आपका 8 किलोमीटर चौड़ा है। अब मैं अगली बात करूंगा, नेक्स्ट अपने पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हिंदी में है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, मैं अपने आप को गायब कर देता हूँ, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका गाइस। यार ये जो फ्रेंजी गेमिंग है, खाम खा के प्रोपेगेंडा मत चलाओ यार, YouTube पर भी पूरा हुआ है, कंप्लीट हुआ है, और वहाँ पर भी कंप्लीट हुआ है, ठीक है, बिना मतलब कि आप अगर ये उल्टी सीधी चीज़ें करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों को मतलब कोई और काम है, होता नहीं है, हर जगह पूरा किया है, कोई अगर कह दे कि पूरा नहीं हुआ है तो हम बात करेंगे। कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी उसके ऊपर है, कंप्लीट प्री के लिए कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी वहाँ पर है, प्लस के ऊपर मेंस प्रस्पेक्टिव से अभी कराऊंगा, अभी इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स आएगा, साइंटिस्ट बन जाते हो एकदम में, सभी कुछ सारी चीज़ें चाहिए आपको, और यहाँ पर भी बहुत, और इतना अगर कहीं और पे हो रहा हो ना तो मैं कह रहा हूँ आप जाओ वहाँ से देख लो, ठीक है, यहाँ पर जो आप आए हो आज पहली बार, मुझे लगता भी नहीं, मैंने तो पहली बार देखा है, जैसे आपने नाम रख रखा है फ्रेंजी गेमिंग, ऐसे ही आपके काम होंगे, सो पहले जाके देखो, ठीक है, ऐसे सिर्फ बोलने से बात नहीं बनती, या सिर्फ बोल दिया मुँह से निकाल दिया हो गया, जितना यहाँ पे कंटेंट दिया जा रहा है ना, कहीं पे दिया भी नहीं जा रहा, आप जाके देख लो। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हम एक्स दे रहे हैं ना, एक्स दे रहे हैं, सो कोई आपको एक्स बाई 50 भी नहीं दे रहा होगा, इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, और दे रहा है तो जाओ पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी, जो मेरे से पढ़ना चाहते हैं मैं उनको पढ़ा के बहुत खुश हूँ, मैं अपने स्टूडेंट के साथ बहुत खुश हूँ, तो ये बिना मतलब के साइंटिस्ट लोग मत आया करो यहाँ पे। अगली बात करते हैं दोस्तों एंडीज पर्वत के बारे में, ठीक है, ओके, इंग्लिश की स्लाइड देखनी है, ये लो इंग्लिश वाली स्लाइड का भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट। दोस्तों जो भी बच्चे देख रहे हैं हु आर वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स द स्टडी, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं यार, मैं गारंटी देता हूं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप चले जाओ इससे बेटर कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे, मैं खुल के बोल रहा हूं, मुझे किसी का डर नहीं है, आप जाइए देखिए। हाँ, अगर आपको इससे अच्छा कंटेंट ना मिल रहा हो तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, और पढ़ाना मैं उससे ज़्यादा मेहनत करने को तैयार हूँ, आप कंटेंट ला के दिखा दो इतनी रेगुलरिटी से, और इतना कंटेंट अगर कोई दे रहा हो तो, नहीं मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आप लोगों को इनको जवाब देना चाहिए, है ना, आप लोग इनको जवाब दो तब बात बनेगी, पता चलना चाहिए कि ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स के लिए ये प्लेटफॉर्म है ही नहीं। आप लोग, आप जब जवाब दोगे ना इनको, तब इनको समझ में आएगा कि
क्या ये कर रहे हैं, आप लोगों का लॉस करते हैं यार, ये हर दिन आपका टाइम वेस्ट करते हैं। ऑब्वियस बात है, मुझे कोई कमेंट्स दिखता है तो मैं उसको एड्रेस करूंगा, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जितने भी प्लस पे बच्चे हैं उनसे जाके पूछ के तो देखो यार क्या पढ़ रहे हैं वो, क्या लेवल देख रहे हैं वो, ऐसे ही बस आ गया बोल दिया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मेरा बैच, मैं अपनी गारंटी ले रहा हूँ, मेरे बैच के अंदर आपको इतनी भी कमी नहीं मिलेगी, चाहे वो बच्चा मेरे साथ प्लस पे जुड़ा हो, चाहे वो बच्चा मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़ा हो। आपको पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है, और मैं अपने कर्तव्य के लिए बहुत निष्ठा से उसका पालन कर रहा हूँ। मेरे को ना अपने अपनी मेरी ड्यूटी से ऊपर कुछ नहीं है यार। एक बात बताओ, जब आप लोग मेरे पे आंख बंद करके भरोसा, मुझे पता है यू गाइज आर ट्रस्टिंग ऑन मी विद योर क्लोज आइज, आप आंख बंद करके सोच रहे हो कि सर जो पढ़ा रहे हैं अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप इतनी यार तारीफ करते हो, इतना अच्छा पढ़ रहा पढ़ा आप इतना अच्छे से पढ़ रहे हो, मैं मेरा मन मांगेगा मैं आपके साथ ऐसा गलत करूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कोई कुछ भी बोले मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं दोस्तों, आई एम गिविंग यू द वर्ल्ड बेस्ट कॉन्टेंट एंड द क्वालिटी, ट्रस्ट मी। आप बताइए, इफ यू हैव एनी सजेशन आई एम हैप्पीली अप्लाइंग दैट, मैं उनको अप्लाई करूंगा कोई भी आपका सजेशन हो, बट दीज आर द अनवांटेड थिंग्स। आप जवाब दिया करो यार, इनको ना टाइम वेस्ट होता है हमारा, समझ में आ रही बात आपको। चलो अब मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, आप देखो साउथ अमेरिका का एक पार्ट हमने कर लिया। सबसे पहला क्या था अपने पास, सबसे पहला था यहां पर देखोगे तो कोस्टल स्ट्रिप, पढ़ लिया कोस्टल स्ट्रिप हो गया। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज इंडीज माउंटेन। अब आप सब लोगों को पता है बच्चों, जिन जिन लोगों ने मेरे से क्लास की है सब लोगों को पता है, नहीं पता है तो बताओ इंडीज माउंटेन क्या था। जो जो क्लास में थे आज तक जिन्होंने पढ़ा है वो इसके बारे में बहुत अच्छे से बता पाएंगे। एंडीज माउंटेन इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ माउंटेन। कैसा माउंटेन है, इट इज अ टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन। बताया कि नहीं बता बताओ। हाँ सर पता है, फोल्ड माउंटेन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था दोस्तों, जब भी दो अलग अलग प्लेट विद वेरिंग डेंसिटी, बताया था याद करो, ये दो अलग अलग प्लेट में ले रहा हूं। पहली प्लेट है दोस्तों आपकी P1 प्लेट, ठीक है, दिस इज P1 प्लेट, इसका डेंसिटी है ρ1। दूसरी प्लेट है P2 जिसका डेंसिटी है ρ2। ये आपस में एक दूसरे की तरफ जा रही, कोलाइड कर रही है, टकरा रही है। मैंने आपको क्या बताया था, ρ1 इज नॉट इक्वल टू ρ2। दोनों का घनत्व तो क्या है दोस्तों, अलग अलग। ये घनत्व तो एक का ज़्यादा है, घनत्व तो मतलब डेंसिटी, एक का ज़्यादा है दूसरे का कम है। जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो भारी होगी। ρ1 का डेंसिटी ज़्यादा है, मैंने लिखा है ρ1 ज़्यादा है। ये प्लेट भारी है, ये प्लेट क्या हल्की। तो आपको पता है भारी प्लेट ऑलवेज क्या करती है गाइस, सबडक्ट करती है, नीचे की ओर धसती है। सबडक्ट मतलब धसना, ये धस जाएगी जब ये दोनों टकराएगा आपस में। और ये जो दूसरी प्लेट है दोस्तों, ये आपका क्या करेगी, आपका ये ऊपर की ओर उठेगी। आप बोलोगे सर ये टकराएगा क्यों, टकराएगा बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के पास पास आता है। पास पास क्यों आता है, क्लोजअप की एड चल रही है या फिर क्या हो रहा है, पास पास खा रखा है। बताया था मैंने आपको, पास आओ, गले लगाओ, मुस्कुराओ, ये होता है बिकॉज ऑफ द वेरियस फोर्स, जो अलग अलग फोर्स लगते हैं, बल, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस, बताया था मैंने आपको, आंतरिक और बाह्य बल। अब क्या होगा, जहां पर ये प्रोग्राम चल रहा है, जहां पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के, जहां ये ऊपर नीचे है ना, दिस जोन, इस जोन को हम किस नाम से जानते हैं, दिस जोन इज गोइंग टू बी नोन एज, इस जोन को एक नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज सबडक्शन जोन। क्या कहते हैं इसको, सबडक्शन जोन, हिंदी में बोलते हैं सर भू नौक्ती क्षेत्र, या इसको कहा जाता है बेनी आप क्षेत्र, जहां एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धसती है। अब होगा क्या सर, जो भी पार्ट धसेगा ना, ये धस गया बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर, इट विल कन्वर्ट इन टू द लावा, एंड ये जो पार्ट उठा हुआ है इट विल लुक लाइक दिस, दिखेगा ऐसा। अब फोर्स तो लगातार लगता रहेगा ना, पृथ्वी पर जो फोर्स है वो लगातार क्या होगा दोस्तों, आपका लगता रहेगा, लगता रहेगा, तो ये धसता रहेगा और ये भाग लगातार ऊपर उठता रहेगा। और इस ऊपर उठे हुए भाग को ही हम क्या बोलते हैं मित्रों, दिस इज नथिंग बट नोन एज द फोल्ड माउंटेन। और एंडीज भी एक ऐसा ही फोल्ड माउंटेन है। दुनिया में तीन मैंने बड़े माउंटेन बताए थे जो इसी प्रकार के पाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं जल्दी से बताऊंगा। अब आते हैं एंडीज माउंटेन पे, ठीक है। अब जो मैंने पढ़ाया ना उस बात को ध्यान देखना, यहाँ पर देखना वही सारी बातें लिखी हुई है। देखो मैप देखो, फटाफट अपना फिजिकल मैप ओपन करो गाइस, फटाफट। मैंने आपको पहले दिन बताया था मैप बड़ा आपके स्क्रीन पे होना चाहिए। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, बड़ा मैप आपकी स्क्रीन पे होगा, उसके अलावा एक छोटा मैप आपके पास, एटलस आपके सामने होगी, आपके पास ब्लैंक पेपर होना चाहिए, और साथ साथ आपके पास में क्या होना चाहिए, ब्लैंक पेपर के साथ साथ आपके पास में पेंसिल और 2 से 3 कलर के मार्कर, यानी कि कलर के पेन होने चाहिए। अगर पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना तो कोई टेंशन नहीं, बट पढ़ना है हमें तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर, अब एटलस में देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है एंडीज माउंटेन, देखो दिख रहा है, दिख रहा है। अच्छा, कई जगह पे इसको कॉर्डिलेरा बोला हुआ है, कॉर्डिलेरा ऑफ एंडीज, कॉर्डिलेरा ऑफ रॉकीज। कॉर्डिलेरा क्या होता है, कॉर्डिलेरा का मतलब होता है कॉर्ड,
गांठें लगी होती है। होता क्या है ना, ये दो रेंज बनती है, दो ऐसे माउंटेन चलते हैं, है उसका नाम एंडीजी, लेकिन उसमें दो रेंज चलती है, वो ऐसे ना आपस में गांठें लगी हुई है उनकी ऐसे, इसलिए इसको बोल देते हैं कॉर्डिलेरा ऑफ एंडीज। उसमें दो पार्ट बना देता है, फिर वो कॉर्डिलेरा एक्सीडेंटल, कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, कॉर्डिलेरा एक्सीडेंटल, मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा, कोई मतलब नहीं है, आप सिंपल याद रखो एंडीज माउंटेन, ठीक है। मैं कई बार बता चुका हूँ, खाना सीधे खाओ और ऐसे घुमा घुमा के यूँ करके खाओ, बात एक ही है, पेट में जाएगा कहीं नहीं है। अब समझो मेरी बात, एंडीज माउंटेन ये रहा है अपने पास, सो एंडीज माउंटेन एक्सटेंड। अब देखो हिंदी में भी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, दिस इज हिंदी, हिंदी में है, एंडीज महाद्वीप की पूरी लंबाई के साथ फैला हुआ है। इधर ये देख रहे हो आप, देखो नाम दिख रहा है आपको क्या, पनामा दिख रहा है, तो पनामा से शुरू होता है ये, और कुल मिला के ऐसे करके नीचे तक फैला हुआ है। नीचे कहाँ तक फैला हुआ है दोस्तों, आपको नीचे फैला हुआ है आपका इस्थमस ऑफ, जो आपका आपका मैगेलन स्ट्रेट है वहाँ तक। बताया था मैंने मैगेलन स्ट्रेट कहाँ है, अब ये मत कहना सर नहीं बताया था, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन कहाँ है मैंने आपको बताया था, ठीक है, दिस इज द स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, ठीक है, बताया था मैंने आपको, जो नॉर्थ अमेरिका को और क्या था टेरल डी फुआगो उसको अलग करता था, बताया था, दैट इज द मैगेलन स्ट्रेट। अभी आपको पता चलेगा जो अभी तक पढ़ा वो कितना इंपॉर्टेंट है, जो हमने लाइटली नहीं लिया, हमने बहुत अच्छे से उसको डिटेल में डिस्कस किया, नाउ यू विल सी द बेनिफिट ऑफ दैट थिंग। गल्फ ऑफ मैगे, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, जल संधि, आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द स्ट्रेट, मैंने बताया था स्ट्रेट क्या होती है, जब भी दो लैंडमास, इधर भी भूमि हो इधर भी भूमि हो, उन दोनों को कनेक्ट करता हुआ मेरे पास क्या हो, बीच के अंदर वाटर चैनल हो, पानी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट, दैट इज नोन एज स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब जल संधि, क्लियर है। अच्छा पहली बात क्या बोल रहा है, द एंडीज एक्सटेंड, एंडीज कह रहा है यहां से यहां तक फैला है, सर हमें भी दिख रहा है, कोई बात नहीं। अगली बात देखो क्या है, कह रहा है कि दे आर यंग फोल्ड माउंटेन, अभी तो बताया मैंने यंग है, जवान है, फोल्ड माउंटेन सबसे यंग होते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन है, दे आर, दे फॉर्म्स अ चेन ऑफ रेंज एंड नॉट विच एनक्लोज इंटर माउंटेन प्लेटूज, नेमली इज इक्वाडोर इन द बोलीविया। इंटर माउंटेन प्लेटू का यहाँ पर जिक्र आया दोस्तों, इंटर माउंटेन प्लेटू क्या है, जिन लोगों ने मेरी क्लास की है, जिन बच्चों ने, उनको पता है दोस्तों प्लेटू जो होते हैं ना, हमारे पास तीन प्रकार के हमने प्लेटू पढ़ाए थे, ठीक है, कौन कौन से तीन प्लेटू पढ़ाए थे, चलिए यहीं पर देख लेते हैं, या एक जगह, हाँ यहाँ पर हमने तीन प्रकार के प्लेटू बताए थे आपको। प्लेटू क्या होता है यार, भूमि का कोई भी ऐसा भाग जिसकी औसत ऊंचाई 600 फीट से अधिक हो, कोई भी उठा हुआ भाग, ऐसे उठ गया, कोई भी उठा हुआ भाग हो गया, अब इसकी एवरेज हाइट जो है ना h, दिस शुड बी ग्रेटर देन 600 फीट, 600 फीट से इसकी ऊंचाई क्या होनी चाहिए ज़्यादा, तो इसको हम क्या बोलेंगे आपका, दिस इज नोन एज द प्लेटू। सो प्लेटू अपने पास कितने प्रकार के हो गए, अपने पास चार प्रकार के प्लेटू होते हैं मेनली। पहला होता है गाइज इंटर माउंटेन प्लेटू, नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए, इंटर माउंटेन प्लेटू का मतलब क्या हुआ, अंतः पर्वतीय पठार, क्या हो गया, अंतः पर्वतीय पठार, इंटर माउंटेन प्लेटू बोलते हैं इसको। अंतः, इंटर का मतलब बीच में और माउंटेन का मतलब माउंटेन, पर्वत के बीच में पठार है, तो यहां है दो पठार हैं पर्वत के बीच में, एक तो है यहां पर बोलीविया का पठार, और एक क्या है दोस्तों आपका, दूसरा इक्वाडोर का पठार, ये रहा इक्वाडोर, दिस इज इक्वाडोर प्लेटू, इक्वाडोर आइलैंड सुना था भाई। एक बात बताओ, बोलीविया की हाईएस्ट कैपिटल क्या थी, बोलीविया कैपिटल थी आपकी दोस्तों, जल्दी बताओ मुझे, लापाज थी, यस और नो, यहां पर बताओ इसकी कैपिटल क्या थी दोस्तों, क्विटो, दोनों के बारे में खास बात बता दो मुझे क्या थी। लापाज दुनिया की सबसे हाईएस्ट कैपिटल थी, क्यों, क्योंकि हाईलैंड पर है भैया, प्लेटू के ऊपर स्थित है, बोलीविया के पठार पर स्थित है, पठार क्या होता है, भूमि का वो भाग जिसकी औसत ऊंचाई 600 फीट से अधिक हो, ऊपर कितनी भी हो सकती है, लेकिन याद रखना इसका ऊपरी सतह क्या होगा आपका, समतल होगा, समान होगा, इसको हम क्या बोलेंगे आपका, पठार कहा जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं गाइस, सभी लोग बताओ मैं क्या कह रहा हूं, आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे, ठीक है। सो पठार क्या होता है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, एक बार फटाफट से यार लाइक करो और शेयर कर दो, बाकी बच्चे भी जुड़ पाएं दोस्तों, 889 ऑलमोस्ट 900 लाइक हो चुके हैं, वी हैव टू लाइक अचीव 100 ना, वी हैव टू अचीव 1K लाइक, 1000 लाइक को अपने को अचीव करना है इसी क्लास के अंदर। सो मैंने क्या बोला, प्लेटू, तो यहाँ पर दो इंटर माउंटेन प्लेटू भी है, पहला मैंने आपको याद करो, मैंने आपको बताया था कि क्विटो आपकी इक्वाडोर की कैपिटल है, और इक्वाडोर की कैपिटल जो है ना क्विंटो, उसके अंदर क्या है, वो दुनिया की सेकंड हाईएस्ट कैपिटल है, सबसे ऊपर हाईएस्ट कैपिटल का नाम किसका आता है, लापाज का आता है, लापाज के बाद किसका आता है, क्विटो, दोनों के दोनों हाईलैंड्स हैं, और ये हाईलैंड्स है किस पर स्थापित है, हाईलैंड का मतलब क्या होता है, प्लेटू, तो ये प्लेटू पर स्थित है, चाहे वो आपका यहाँ पर हो, तो इसको हम बोलते हैं इक्वाडोर का पठार, याद रखना, एग्जाम्पल पूछा जा सकता है आपसे, पूछा जाता है पेपर में कि बोलीविया का पठार कैसा पठार है, आप बोलोगे इंटर माउंटेन प्लेटू, स्टेट पीसीएस में भी सवाल पूछा जा सकता है, तो इक्वाडोर का पठार हो गया, उसके बाद क्या हो गया, बोलीविया का पठार हो गया,
ठीक है, दो पठार, दे आर इंटर माउंटेन प्लेटू बिकॉज दे आर लोकेटेड बिटवीन टू माउंटेन्स, दो पर्वतों के बीच में स्थित हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द इंटर माउंटेन प्लेटू. क्लियर और नॉट, जल्दी बताइए मुझे, ये बात क्लियर है सभी को? गाइज अगर क्लियर है तो थम्स अप चाहिए मुझे सभी का, सभी लोग थम्स अप करोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, फटाफट चलिए थम्स अप कीजिए अगर आपको पता है तो. सर हो सके तो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया स्टेट कर देना आफ्टर कंप्लीशन द साउथ अमेरिका इफ यू शूट द टाइम टेबल. साहिल पूनिया सारा करेंगे यार, सारा करेंगे, ऑस्ट्रेलिया भी करेंगे, नॉर्थ अमेरिका भी करेंगे, एक सिस्टम है. आपको ऑस्ट्रेलिया पढ़ने की ऐसी जल्दी क्यों है? चिंता मत करो, सब कराऊंगा मैं, कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा. साउंड आ रहा है आपको मेरा? या लापाज इज द हाईएस्ट कैपिटल. माउंटेन कौन कौन सा अभी बताऊंगा, चिंता मत करो. अरे माउंटेन एंडीज के ही बीच में है, माउंटेन एंडीज के ही बीच में है, दो माउंटेन मतलब माउंटेन की एक इधर भी एंडीज है, इधर भी एंडीज का ही पार्ट है, उसके बीच में स्थित है, इसलिए बोलते हैं इसको इंटर माउंटेन है, तो दोनों तरफ माउंटेन ही ना. तो याद रखोगे इक्वाडोर और आपका बोली स्टेट पीसीएस में आया था, एमपी स्टेट पीसीएस आई थिंक 2015 के अंदर ही सवाल पूछा गया था. अच्छा अब ये क्या है, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट. आप पूछोगे सर ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या होती है, दिस इज ऑल्सो एन एक्टिव सबडक्शन जोन. समझ में आई बात आपको? नहीं आई. पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कितने बच्चों को नहीं पता, सबडक्शन जोन तो पता है. अब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या थी मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट लगेगी और उसको कंप्लीट देख लेंगे हम, बस मेरे साथ बने रहो, बेस्ट इन क्लास एक्सपीरियंस देंगे यार. ये जो कह रहे हैं उल्टे सीधे कुछ कुछ बोलते हैं ना, इनकी चिंता मत करो आप, आपने मेरे पे भरोसा किया है एंड आई विल गिव यू द बेस्ट इन क्लास एक्सपीरियंस. एक मिनट लगना यार, ये हैंग करने लग गया है, वेट गाइस, ये हैंग कर गया यार. हैंग कर रहा है यार पूरा सिस्टम, कोई बात नहीं मैं इसी में बता देता हूं. देखो हमने ये पढ़ा था ना, यहां पर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या होता है, ऐसा ही सबडक्शन जोन. सबडक्शन जोन में क्या हो रहा है, दो प्लेट टकरा रही है, एक प्लेट नीचे धस रही है, दूसरी प्लेट ऊपर उठ रही है, हो रहा है ऐसा. जो प्लेट नीचे धस रही है इससे क्या बनेगा, आपका लावा बनेगा. अभी लावा बनेगा तो निकलेगा भी, हाँ निकलेगा भी, तो इसको बोलते हैं हम एक्टिव सबडक्शन जोन, सक्रिय बेनियोफ क्षेत्र. अभी सक्रिय सबडक्शन क्षेत्र जो है ना, देखो यहाँ से यूं करके ना ये दिख रहा है आपको, यहाँ से इधर से भी है और ये यूं करके इधर तक फैला हुआ है. पूरे प्रशांत महासागर को आप देखोगे ना तो रफली एक रिंग टाइप की आकृति में घेरे हुए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. किसी को देखना हो तो मेरी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है फिजिकल ज्योग्राफी में, वहां पर जाके देख सकता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पेरी प्रशांत पेटी क्या होता है. तो ये आपका जो है वो पेरी प्रशांत पेटी का ही एक भाग है, दिस इज पेरी प्रशांत पेटी का भाग है. अच्छा अगर ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का भाग है तो क्या यहाँ पर वोल्केनो आएंगे, आप बताओ मुझे. लावा है तो ज्वालामुखी आएगा, हाँ भूकंप आएगा, हाँ मैंने आपको बताया हुआ है 90 से 95%. अब चाहे वो वोल्केनो हो, वोल्केनो मतलब आपका पता है आपको, और चाहे वो अर्थक्वेक हो, ठीक है, उसके पीछे कारण ही क्या होता है, आपका कारण होता है सबडक्शन जोन. दुनिया के 90 से 95% भूकंप और ज्वालामुखी वहीं आते हैं जहाँ दो प्लेट आपस में धस रही है. ये जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये इसी का एक हिस्सा है, इसीलिए यहाँ पर फ्रीक्वेंट वोल्केनो भी आते हैं और बहुत आम अर्थक्वेक भी आते हैं. आपको बस नाम सुना होगा आपने कोटापॉक्सी, चिम्बोराजो, मैंने वहाँ पर बताया था फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाई थी जब, कोटापॉक्सी चिम्बोराजो बताया था ना आपको, ओजाजिल सलादो, इक्वाडोर के अंदर ही थे दो माउंटेन. सो इसमें बहुत सारे एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है इस पट्टी के ऊपर,
ठीक है। और दुनिया का जो सबसे तगड़ा भूकंप है ना, वो भी तो यहीं पे आया था चिली के अंदर, अब तक का 9.8 रिचर स्केल का अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप। क्यों इस पे इतने ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो और भूकंप क्यों आते हैं बताओ भाई, क्यों? इसने कोई गधी का हाथ लगा रखा है भाई, क्यों आते हैं यहाँ पर? बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, पेरी प्रशांत पेटी का हिस्सा है। एग्जाम्पल देख लो, लाइक माउंट कोटापॉक्सी पाया जाता है, माउंट चिम्बोराजो यहाँ पर पाया जाता है, दीज आर द एक्टिव वोल्केनो। और इसकी सबसे हाईएस्ट पीक जो है दैट इज माउंट अकांकुआ विच इज प्रेजेंट इन द अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में स्थित है इसकी सबसे हाईएस्ट पीक जिसका नाम है अकांकुआ। ज्वालामुखी चोटी है जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? फटाफट देखिए दोस्तों, ठीक है, फटाफट देखिए, मैं अपने आप को हाइड कर देता हूँ यार, देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड गाइस प्लीज शेयर करो और लाइक करो यार, लाइक करो, हमें एक 1K लाइव, 1K लाइक्स जो है हमें पहुँचना है। एक बार फटाफट शेयर कर दो यार, सिर्फ 60 लाइक्स की ज़रूरत है यार, और अपन जो है वो रीच कर जाएंगे 1K तक, है ना? फटाफट लाइक कर दो यार, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए, ये बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए, ये दो पार्ट अपन ने कवर कर लिए आज, ठीक है। सो एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद चलते हैं दोस्तों अपनी एक छोटी सी बात पर। ये आपके यार सर का चैनल है, सॉरी आपके मेरा जो है ये इंस्टाग्राम पेज है, फॉलो करो यार, ये फेसबुक पेज है, और ये मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ जुड़े रहो। ये यार दोस्तों अपनी ईमेल आईडी है। देखो, किसी भी बच्चे को अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है, सब्जेक्ट में लिखो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ठीक है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, और जब आप ये लिख दोगे आप मेरे को मेल कर सकते हो। मैंने अनअकैडमी के ऊपर मैंने स्टार्ट किया है, मैंने मिशन IAS 2020 और मिशन IAS 2021, ये पूरी मेरी जिम्मेदारी है दोस्तों आपकी तैयारी का कंप्लीट, आपको गाइडेंस करने का, गाइड करने का कंप्लीट मेरा एफर्ट रहेगा, कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। सो दोस्तों आपको इसको ज्वाइन करना है बाय यूजिंग दिस कोड, और कोड है सुमित10। किसी भी बच्चे को अगर ज्वाइन करना है तो दे कैन ड्रॉप मी अ मेल, आप मुझे मेल ड्रॉप कीजिए, आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन सब्जेक्ट में डालना, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, आप मुझे मेल डाल सकते हो, आपके मेल का मैं जवाब दूंगा, बताऊंगा, आपसे बातचीत करूंगा कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ये टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, ये PDF के लिए होता है, मैं PDF यहीं पर दूंगा, आप PDF इसके लिए मुझे आप फॉलो कर लो टेलीग्राम चैनल के ऊपर, sumit.kumar@yystudy, sumitrathi3@gmail.com, ये मेरी मेल आईडी है। किसी भी बच्चे को अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है दे कैन मेल मी। अनअकैडमी पर जो मेरे से जुड़ना चाहते हैं सीधे, आप मेरे से जुड़ के भी आप बाद में भी मेल कर सकते हो, मेरे को मेल कर दो कि सर वी हैव सब्सक्राइब्ड अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग योर कोड, आप मुझे करोगे इंस्टॉल करोगे अनअकैडमी ऐप, उसके बाद आप UPSC CSE चूज करोगे वहाँ पर, उसके बाद आप क्या करोगे गेट सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में जाओगे। देखो दो तरीके के सब्सक्रिप्शन है, पहला है 1 ईयर, 2 ईयर। 2 ईयर सब्सक्रिप्शन इज बेस्ट फॉर यू। 2 साल का सब्सक्रिप्शन कितना है? 64,000 रुपये का। सर बहुत महंगा है, महंगे और सस्ती चीज़ें नहीं देखी जाती, जब बात सपनों की है ना, उड़ान सपनों की है और महंगा सस्ता नहीं देखा जाता। आप 64,000 में, आप मेरा कोड लगाओ मैं डिस्काउंट दिलवाता हूँ आपको 57,000, ठीक है, इतना आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 57,000, लगभग 7,000 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलेगा। यू कैन गेट दिस कोर्स, 2 साल तक आप मेरे गाइडेंस के अंदर रहोगे, आपको पूरी गाइड मैं करूंगा, थ्रू आउट द प्रोसेस मैं आपको गाइडेंस दूंगा। 2 बार मैंने इस एग्जाम को क्लियर किया है, 2 टाइम्स, सो मेरे पास पूरा एक्सपीरियंस है इस एग्जाम को क्लियर करने का, क्या अप्रोच रहेगी, एज प्रॉक्सिमिटी है आपके इस एज का, तो सारी बातें मेरे पास है दोस्तों। सो आइए जुड़िए मेरे साथ अनअकैडमी के ऊपर बाय यूजिंग दिस कोड सुमित10। आपको कोड क्या यूज करना है दोस्तों? सुमित10। जैसे ही आप सुमित10 यूज करोगे आपको डिस्काउंट मिलेगा, यू कैन गेट दिस कोर्स, आप मेरे साथ जुड़ोगे, थ्रू आउट द प्रोसेस मैं आपको गाइड करूंगा। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द टुडेज क्लास, थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम, पढ़ाई कर